इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे दोस्तों एक 50 वाट का एम्पलीफायर, जिसके लिए मैंने लिए हैं 1943 और 5200 टाइंस्टर। यह हमारा 50 वाट का एम्पलीफायर होगा और इसको मैं आज आपको बना के दिखाता हूँ और फिर इसकी हम टेस्टिंग करेंगे कि इसकी आवाज़ कैसी है। तो देखिए, इसके अंदर जो टाइंस्टर कसे हुए हैं वो मैंने माइका लगा दिया है हीट सिंक पे, क्योंकि ये टाइंस्टर हीट होंगे तो हीट होने के लिए हीट सिंक हमने पहले ही लगा दिया है, और माइका इसलिए लगाया है जो हीट सिंक से टाइंस्टर शॉर्ट ना हो। तो ये चीज़ आप पहले ही मीटर को कंटिन्यूटी पे ला के इसको चेक कर लें कि जो हमारी कलेक्टर वाली पिन है वो हीट सिंक से शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, हीट सिंक से अगर शॉर्ट होगी तो ये हमारा एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा और हमारा सर्किट सही से नहीं बनेगा। तो उसके लिए देखिए, मैंने 0.22 ओम की रेजिस्टेंस है 5 वाट में, ये हमने ई मीटर के ऊपर लगा दिए दोनों रेजिस्टेंस। ये देखिए, ये हमारी दोनों ई मीटर पे लग गई है। ई मीटर पे लगने के बाद हम इसको दोनों को शॉर्ट कर देंगे, फिर हम लेंगे एक 7K की रेजिस्टेंस, 2K7, इसको हम 5200 के ट्रांजिस्टर पे लगा देंगे कलेक्टर की पिन से, और बेस की पिन पे हम इसे शॉर्ट कर देंगे। ये हमारी शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट होने के बाद हम इसको लेंगे हम 4007 डायोड। ये हमारे 4007 डायोड हैं, ये देखिए, ये हमारे 4007 डायोड हैं। और इसके अंदर क्या करना है हमें, ये जो सिल्वर कलर की जो लाइन है इसके अंदर, ये सिल्वर कलर की जो लाइन है, ये दोनों हम इस तरीके से रखेंगे। और लास्ट में मैं एक सर्किट डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको। तो ये देखिए, ये मैं इन दोनों की 5200 की बेस वाली पिन पे जो हमने ये डायोड लगाया, इस डायोड को सीधा 1943 के बेस पे लगा देंगे। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें बेस से बेस को कनेक्ट करना है इस डायोड को लेके। ये देखिए, ये मैंने डायोड कनेक्ट कर दिया है। अब ये हम ट्रांजिस्टर लेंगे, ये ट्रांजिस्टर है हमारा BD 129 ट्रांजिस्टर है, ये 39 ट्रांजिस्टर है। ये देखिए, अब मैं इसको लगाऊंगा। अब इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, इसकी जो हमारी ई मीटर वाली पिन है, पहले नंबर वाली जो पिन है, वो हम लगाएंगे 1943 के बेस वाले प्रिंट पे। ये बेस वाली पिन पे लगा दिया है मैंने इसे, पहली पिन जो है हमारी ई मीटर है। कलेक्टर वाली जो पिन है, कलेक्टर वाली पिन सीधा हम इससे शॉर्ट कर देंगे। कलेक्टर वाली पिन हम 1943 के पहली वाली पिन पे लगा देंगे जो हमारी बेस की पिन है, इस तरीके से। अब हम लेंगे एक 100K की रेजिस्टेंस। ये हमारी 100K की रेजिस्टेंस है, इसको हम 5 वाट की जो रेजिस्टेंस है हमारी 0.22, इसके ऊपर लगाइए। इसके ऊपर लगाने के बाद अब यहाँ पर एक कंडेंसर लगाऊंगा मैं, देखिए 4.7 50 वोल्ट। अब मैं इसको एक बार को सर्किट पूरा तैयार कर लेता हूँ, तैयार करके आपको चला के दिखाऊंगा, और चलाने के बाद जो है फिर आपको मैं लास्ट में इसका सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा ये किस तरीके से काम करता है।
तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, कंप्लीट करके आपको इसको चला के दिखाता हूँ। लास्ट में मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको दिखाऊंगा ये किस तरीके से बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों मैंने सबसे पहले जो है 2.7 ओम की रेजिस्टेंस लगाई थी, लेकिन ये हीट ज़्यादा हो रही है तो मैंने यहाँ पर 1 की रेजिस्टेंस लगा दी है। और 1 की रेजिस्टेंस जो है ये क्वार्टर वाट में है, आप जो हैं इसको कम से कम 2 वाट के अंदर लगाएं, क्योंकि ये हीट थोड़ी ज़्यादा हो रही है। आप अगर 2 वाट के अंदर इसे लगाएंगे तो ये हीटिंग कम होगी और सर्किट जो है पूरा एकदम बढ़िया चल रहा है। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। और सर्किट देखिए, सर्किट हमारा ऑन हो गया है। और मैं अपने फेसबुक के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और वहां से आप इस सर्किट को निकाल सकते हैं। और मैं वीडियो के लास्ट में भी इसका सर्किट डायग्राम डाल दूंगा, जो आप खुद बना सकते हैं ये सर्किट। तो देखिए मैं चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सर्किट एकदम बढ़िया चल रहा है। मैं इसके अंदर आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि मैंने इसके अंदर कितनी वोल्टेज सप्लाई दे रखी है। ये देखिए हमारी जो इसके अंदर सप्लाई है वो 31 वोल्ट के आसपास आ रही है। तो आप 30 वोल्ट इस सर्किट को आराम से दे सकते हो। आप इस सर्किट को 20 वोल्टेज से लेकर और 30 वोल्ट तक आराम से दे सकते हो और ये सर्किट आपका एकदम बढ़िया चलेगा। और इसके ऊपर आप कम से कम 50 वाट तक का या 70 वाट तक का स्पीकर चला सकते हैं। ये छोटा स्पीकर मैंने खाली टेस्टिंग के लिए लगा रखा है। आप इसके अंदर 70 से 50 वाट का कोई सा भी स्पीकर चला सकते हैं। हीट सिंक आपको थोड़ी बड़ी लेनी होगी बस, क्योंकि हीट सिंक थोड़ी, ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट करते हैं। हीट सिंक आप जो है थोड़ी अगर बड़ी ले लेंगे तो आपका जो सर्किट है ये एकदम सही चलेगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों हमने जो सर्किट अभी चेक किया था, मैं चाहता हूँ कि आपको सर्किट डायग्राम से इतना अच्छी तरीके से बता दूँ कि आप सर्किट बड़े आराम से बना सको। तो देखिए हमने 1943 ट्रांजिस्टर लिए हैं। बेस से बेस हमने 4007 दो डायोड कनेक्ट करे हैं। कलेक्टर पे और बेस के बीच में हमने एक रजिस्टर लगाई है 1 के 2 वाट के अंदर लेनी है आपको। अगर आप क्वार्टर वाट लेते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस हीट होगी। देखिए क्वार्टर वाट इस तरीके से होती है। आपको लेनी है 1 वाट या 2 वाट। 1 वाट और 2 वाट देखिए इनका साइज ऐसा होता है 1 वाट और 2 वाट में, तो 1 और 2 वाट ही लेनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस लगाएंगे 1K की तो वो हीट होगी। तो 2 वाट के अंदर आपको लगानी है। और ई मीटर पे जो है आपको 5K की रेजिस्टेंस लगानी है 0.22 ओम। ये रही देखिए, ये मैंने रेजिस्टेंस का ही साइन बना दिया दोनों तरफ। ई मीटर से दोनों को कनेक्ट करके आप यहाँ पर एक कंडेंसर लगेगा 2250 वोल्ट का, जो आपका पॉजिटिव वोल्ट पे चला जाएगा स्पीकर पे। स्पीकर आप 8 या 4 ओम का लगा सकते हैं 50 वाट से 70 वाट तक का। और ये ग्राउंड जो है आपका इस ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको 1943 के कलेक्टर पे माइनस ये ग्राउंड देना है और यहाँ पर कलेक्टर पे 5200 के आप 12 वोल्ट से 30 वोल्ट तक दे सकते हैं। इनपुट आपको यहाँ देनी है। यहाँ पर आपका जो कंडेंसर लगा हुआ है वो 4.7 50 वोल्ट का है। यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, देखिए कंडेंसर ये रहा आपका 4.7 50 वोल्ट, ट्रांजिस्टर ये रहा आपका जो अभी हमने टेस्ट किया था। देखिए मैं जरा जूम करके इसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए BC 139 जो हमने यहाँ पर लगाया है, BC 139। तो ये देखिए मैंने पूरा सर्किट आपको बना के दिखा दिया है ये किस तरीके से बनेगा और कौन सा सामान इसके अंदर कहाँ लगेगा। यहाँ पर 100K की रजिस्टर है क्वार्टर वाट में, ये जो रजिस्टर है हमारी।
और जो ये मैंने इस तरीके से निशान बनाया है, ये हमारा इस प्रिंट से शॉर्ट नहीं है, ये इसके ऊपर से मैंने इस तरीके से बनाया है जिससे कि आपको सर्किट डायग्राम आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।